आपकी शिफ्ट में एक या दो प्रश्न गलत साबित होते हैं और उनको बोर्ड के द्वारा हटा दिया जाता है, तो आपके फाइनल स्कोर पर इसका क्या असर पड़ेगा और नंबर का वितरण कैसे किया जाएगा। तो दोस्त इसी विषय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक वाद है जिसके अनुसार भर्ती बोर्ड आपका नंबर वितरण करने वाला है। तो चलिए फिर पूरी प्रक्रिया को समझते हैं विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमर कॉप पर। तो दोस्त आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के बारे में। दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हो पेपर भी आपका हो चुका है और बहुत सारे चैनलों ने कट ऑफ भी बता दिया और ऑफिशियल रूप से आंसर की भी आ गई और आपसे आपत्तियां भी मांग ली गई। तो दोस्त मैं उन्हीं आपत्तियों के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्त जैसा कि आपसे आपत्तियां मांगी गई, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अलग अलग प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करी हैं कि सर ये मेरा प्रश्न गलत है, सर मेरा ये प्रश्न गलत है, या ये प्रश्न ही गलत है, मेरा ये सही है। तो दोस्त बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो तो 150 में से 150 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर दिए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, यदि आपके द्वारा सही तरीके से आपत्ति दर्ज की गई है तो बोर्ड उन क्वेश्चन के ऊपर विचार करेगा और यदि आपकी बात सही साबित होती है उन प्रश्नों को हटाएगा। तो हम बात करने वाले हैं दोस्त आज, यदि आपके शिफ्ट में एक या दो प्रश्न गलत साबित होते हैं और उनको बोर्ड के द्वारा हटा दिया जाता है तो आपके फाइनल स्कोर पर इसका क्या असर पड़ेगा और नंबर का वितरण कैसे किया जाएगा। तो दोस्त इसी विषय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक वाद है जिसके अनुसार भर्ती बोर्ड आपका नंबर वितरण करने वाला है। तो चलिए फिर पूरी प्रक्रिया को समझते हैं विस्तार से। तो दोस्त जब भी गलत प्रश्नों को हटा करके अभ्यर्थियों को मार्क्स वितरण करने की बात आती है तो एक केस एक बात बहुत ही चर्चित है, पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। तो दोस्त इसी निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों के मार्क्स का वितरण किया जाएगा। तो दोस्त अगर मैं मोटी मोटी बात बताऊं तो पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो वाद है, इसमें पवन कुमार अग्रहरी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस की परीक्षा दी थी जिनका मेंस में एक नंबर से सिलेक्शन रुक गया, तो ये हाई कोर्ट चले गया। पवन कुमार अग्रहरी के वकील ने ये दलील दी थी यदि हमारे याचिकाकर्ता को एक मार्क्स और दे दिया जाता तो हमारे याचिकाकर्ता का फाइनल में सिलेक्शन हो जाता, जबकि आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में एक प्रश्न गलत था। तो उस पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संबंधित विषय के जो विशेषज्ञ थे उनकी एक समिति बनाई गई और समिति के द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि हाँ यूपीपीसीएस के पेपर का एक प्रश्न जो कि गलत था उस प्रश्न को हटाया गया, तो पवन कुमार को फिर से संशोधित मार्क्स दिए गए। और वो किस तरीके से दिए गए दोस्त, पवन कुमार के सही प्रश्नों की संख्या 91 थी और टोटल पूर्णांक 300 थे और प्रश्नों की संख्या जो थी 120 थी। तो दोस्त अगर मैं पवन कुमार अग्रहरी के मार्क्स की बात करूं तो 300 / टोटल प्रश्नों की संख्या जो कि 119 थी * पवन कुमार के सही प्रश्नों की संख्या 91 = 229.41 पवन कुमार अग्रहरी के मार्क्स बने थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसकेल मेथड से उसको संशोधित करके 235 नंबर कर दिया गया। ठीक इसी तरीके से आपके भी मार्क्स का वितरण किया जाएगा। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं कि आपके मार्क्स का वितरण कैसे किया जाएगा। तो दोस्त जैसा कि आप सब जानते हो आपके पेपर का जो पूर्णांक था वो 300 नंबर का था और प्रश्नों की संख्या 150 थी। मान लीजिए आपके शिफ्ट में दो प्रश्न गलत साबित हुए और उसे बोर्ड के द्वारा हटा लिया जाता है और आप 110 प्रश्न सही करके आए तो आपका नंबर कितना बनेगा। तो एक फार्मूले से समझते हैं, फार्मूला वही है दोस्त जो पवन कुमार अग्रहरी के केस में लगा था। तो आपका 300 पूर्णांक हो गया / टोटल सही प्रश्नों की जो संख्या बची दो प्रश्न हटाने पर 148 बची और आपके सही प्रश्न 110 हैं, तो आपका 222.97 मार्क्स बनेंगे और ये मार्क्स को भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में 5 से 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो दोस्त इसी आधार पर बोर्ड के द्वारा आपके मार्क्स का वितरण किया जाएगा।
तो दोस्त यह थी पूरी जानकारी कि यदि आपके शिफ्ट में एक या दो प्रश्न गलत हुए हैं तो हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार आपको मार्क्स का वितरण कैसे किया जाएगा। तो दोस्त अगर आपने मेहनत जी जान से की है और पेपर को अच्छे से दिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास है कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और बस धैर्य बना के रखिए और रिजल्ट के इंतजार करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्त, जरूर होगा। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।